बच्चों कैसे हो आप? आज हम खरगोश और कछुए की कहानी सुनेंगे। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को एक बात का घमंड था कि वो सबसे तेज दौड़ सकता है, और वो कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। ऐसे में एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, अरे ओ कछुआ भाई, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? तो कछुए ने कहा, क्यों नहीं, हाँ जरूर दौड़ लगाऊंगा। खरगोश ने कहा, हम दोनों में से जो जीतेगा उसे बढ़िया इनाम मिलेगा। तो कछुए ने कहा, हाँ क्यों नहीं। खरगोश और कछुए की दौड़ की खबर सारे जंगल में फैल गई, और जंगल के सारे जानवर इस दौड़ को देखने के लिए आ पहुंचे। खरगोश ने कछुए से कहा, उस दूर वाली पहाड़ी तक हम दोनों में से जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। कछुए ने कहा, अच्छा ठीक है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तो तेजी से दौड़ रहा था और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। अब इस तरह थोड़ी देर और कुछ आगे जाने के बाद खरगोश ने पीछे देखा तो कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। खरगोश ने सोचा, ये कछुआ अभी दिखाई भी नहीं दे रहा, तो मेरे साथ कब पहुंचेगा? चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आराम करते करते खरगोश की आंख लग गई, वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास पहुंचा और उसे पार कर उससे आगे निकल गया। कुछ देर बाद खरगोश की आंख खुली। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मैं तो सो गया था। खरगोश तो तेजी से दौड़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा तो कछुआ उससे पहले वहां पहुंच गया था। खरगोश ने कछुए से कहा, दोस्त मुझे माफ कर दो, तुम जीत गए, मेरे घमंड ने मुझे हरा दिया। तो बच्चों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।